हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मेरे 500 सब्सक्राइबर फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसलिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप ऐसे ही सपोर्ट आपका बनाए रखें ताकि मैं जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करूं और इससे भी आगे धीरे धीरे मैं बढ़ता रहूं और मेरे वीडियो ऐसे ही आते रहें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बाइनांस पर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बाइनांस के एक प्रमोशन के बारे में। उससे पहले मार्केट का हालचाल देख लेते हैं। मिला जुला रिस्पॉन्स बीएनबी 293, बिटकॉइन 21,000 पे क्रॉस कर चुका है और इथर भी अच्छा खासा अभी पंप पे दिख रहा है 1700 पे। ठीक है, दो दिन के बाद इथेरियम मर्ज होने वाला है, उसके प्रोसेस चालू हो चुकी है। तो उसके बाद इथेरियम कहाँ जाएगा और उसके जो रिलेटेड कॉइन्स है, उसके प्रोजेक्ट पे जो सपोर्ट करते कॉइन्स है, तो वो कहाँ जाएंगे वो 15 तारीख के बाद पता चलेगा। तो अभी मैं एडवाइस करूँगा आप लॉन्ग या शॉर्ट ना करें इथेरियम के कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर या इथेरियम के अंदर। ठीक है गाइस, आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो तो सबको पता ही है, लेकिन उसमें कुछ नया आया है, उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें जो है हमको वूडल, क्रिप्टो वूडल कैसे खेलना है और जो कैसे हमको $25,000 का अल्गो टोकन्स वाउचर्स मिल सकता है एज अ पूल रिवर्ड। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं लेटेस्ट एक्टिविटीज के अंदर। रेड बाइनांस न्यूज एंड प्ले वूडल टू सेल $25,000 इन अल्गो टोकन वाउचर्स विद द एडिशनल $5,000 इन अल्गो वेलकम गिफ्ट फॉर न्यू यूजर्स। ठीक है, वेलकम गिफ्ट जो न्यू यूजर्स के लिए वो है। कब से चालू है? 12 तारीख से लेकर हर मंडे से चालू रहता है, सैटरडे को खत्म रहता है। ठीक है, हर मंडे को नया थीम आता रहता है उस पर। तो उसके पहले आपने मेरे वीडियो नहीं देखे क्रिप्टो वूडल पे, तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे क्रिप्टो वूडल पे। ठीक है, क्रिप्टो वूडल क्या एक मिनी गेम है दैट अलाउस यूजर्स टू गेस मिस्ट्री वर्ड्स। जो वर्ड्स होते उसको हमको गेस करना रहता है थीम पर। बाइनांस हमको थीम प्रोवाइड करता है, जैसे स्पोर्ट्स की थीम है, डेफाई की थीम है, फिर मेटावर्स की थीम है, वो सब थीम्स हमको प्रोवाइड करता है। उस पर हमको गेस करना रहता है कौन से वर्ड आएंगे। अगर आपके 5 वर्ड करेक्ट आ जाते हैं तो आप इस पूल के अंदर $25,000 पूल के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको यहाँ से फ्री में कुछ ना कुछ BUSD या BUSD मिलेंगे, और कभी कभी ये ऐसे टोकन आ जाते हैं हर वीक के अंदर। तो जैसे अल्गो टोकन का वाउचर हमको मिलेगा, तो लास्ट टाइम भी मेरे को, मैं दो अकाउंट से करता हूँ तो एक अकाउंट से $0.41 मिले, मतलब कितना, 40 रुपये जैसा हो गया। तो 40 रुपये जैसा फ्री में मिल रहा है, लेकिन जो डॉलर की वैल्यू रहती है ना वो बहुत रहती है। $0.41 दो अकाउंट से मेरे को तो $1 आ गया, और $1 अगर आ जाता है तो हमको हमारी एज ए कुछ भी ट्रांजेक्शन फीस के अंदर या हमको कुछ भी पार्टिसिपेट करना रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हर वीक कुछ ना कुछ हमको यहाँ से फ्री में BUSD या कोई भी टोकन वाउचर से फ्री में मिलते रहते हैं। ठीक है, तो फ्री में मिल रहा है तो हम क्यों पार्टिसिपेट ना करें। और जो भी वर्ड्स आते रहते हैं मैं टेलीग्राम पे मैं अपडेट करता रहता हूं कि ये वर्ड्स आएंगे, थ्री लेटर से चालू हो जाए, 3 लेटर से लेके 8 लेटर्स तक, तो मैं वर्ड भी अपडेट करता रहता हूं टेलीग्राम पे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में लिंक है मेरी, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ये थीम है, अभी इसमें लिखा हुआ है थीम कौन सी आएगी, इको फ्रेंडली ब्लॉकचेन जो थीम है इसका नाम, इन द थीम ऑफ दिस वीक इज इको फ्रेंडली ब्लॉकचेन। रीड बाइनांस न्यूज टू लर्न मोर अबाउट दिस टॉपिक एंड पार्टिसिपेट इन दिस वीक वूडल। ठीक है, उसको $25,000 अल्गो टोकन वाउचर्स मिलेगा, जो भी पार्टिसिपेंट 5 से ज्यादा गेस कर लेंगे वीक के अंदर। हमको 2 बार खेलना मिलता है, एक दिन के हमको 2 बार खेलना मिलता है, यानी 6 दिन के हमको 12 बार खेलना मिलता है। 12 बार से हमको सिर्फ 5 बार करेक्ट आंसर हमारा होने चाहिए, वो कैसे खेलते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो और जो दूसरी बोनस एक्टिविटीज आई है उसमें क्या है, जो फर्स्ट 1200 न्यू यूजर्स जो अपनी रेफरल लिंक से, आपकी भी रेफरल लिंक होगी, आप वो रेफरल लिंक से आपके फ्रेंड को इनवाइट करोगे तो वो अगर पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर तो गारंटीड शेयर ऑफ $5,000 अल्गो टोकन वाउचर्स का आपको गारंटीड शेयर मिलता है। ठीक है, जो फर्स्ट 1200 यूजर्स, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ टू विन क्या है, यू कैन प्ले अप टू 2 वूडल्स गेम डेली, हम डेली 2 गेम खेल सकते हैं, गेट अ टोटल ऑफ 5 करेक्ट आंसर, यहाँ पे लिखा जो भी बताया मैंने, गेट अ टोटल ऑफ 5 करेक्ट आंसर
ड्यूरिंग द एक्टिविटी पीरियड टू एलिजिबल फॉर द इक्वल शेयर ऑफ $25,000 इन एल्गो टोकन वाउचर। पांच हमको करेक्ट आंसर आना चाहिए। फॉर न्यू यूजर्स ओनली द फर्स्ट 1200 यूजर्स से जो न्यू यूजर्स आया है और इसकी जो थीम है वो इको फ्रेंडली ब्लॉकचेन थीम है, ठीक है। हाउ टू गेट अ सेकंड वुडल ऑफ द डे, तो हमको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वुडल का करेक्ट आंसर दे दिया, उसके बाद नीचे आता है गेट अ न्यू वुडल, तो आपको वहां से एक लिंक शेयर करना है, लिंक शेयर करके लिंक ले लेना है, लिंक लेके आपके जो भी ब्राउजर के अंदर पेस्ट कर लेना है, पेस्ट करके आप उस ब्राउजर के अंदर कितना कम से कम 30 सेकंड या एक मिनट तक आप वेट करोगे तो आपका न्यू वुडल फिर से बैक आना है बाइनेंस पर फिर से बैक आओगे तो आपका न्यू वुडल खुल जाएगा, तो आप फिर से पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो उसके लिए पार्टिसिपेट यू विल अनलॉक द सेकंड वुडल गेम वंस यू सक्सेसफुली शेयर द सिलेक्टेड न्यूज ऑन द सोशल मीडिया ने शेयर द लिंक इज क्लिकेड। आपको कोई सोशल मीडिया पर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ये खुलेगा। आपको क्या है यहाँ पे हाउ टू प्ले, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेस द क्रिप्टो वुडल इन 6 ट्रायर्स, मतलब 6 बार हम ट्राई कर सकते हैं, ट्रायस लिखा है। आफ्टर इज गेस द कलर ऑफ द ट्रायस विल द चेंज द सो हाउ कलर योर गेस वॉस, मतलब क्रिप्टो है जैसे ये 6 वर्ड्स का है, तो जो ग्रीन वर्ड्स है उसका मतलब क्या, हमने जो भी क्रिप्टो का वर्ड्स जो गेस किया हुआ है, हमने जैसे डाला है क्रिप्टो, तो उसमें से जो भी बाइनेंस ने जो भी करेक्ट वर्ड होगा बाइनेंस का, तो जहाँ पे जो भी करेक्ट स्पेलिंग होगा तो ग्रीन पे आएगा, जो ग्रीन पे मतलब जो वर्ड्स है वही जगह पर है। येलो का मतलब क्या, द लेटर आर इन द वर्ल्ड बट नॉट इन द करेक्ट पोजिशन, मतलब जो वर्ड्स के जो हम बाइनेंस में हमने जो वर्ड्स दिया है हमको 5 या 6 लेटर का, उसके अंदर येलो अगर हमको आता है, मतलब क्या येलो का वर्ड का मतलब ये कि वो वर्ड के अंदर वो जो वर्ड था हमारा 5 या 6 लेटर्स का, उनके अंदर ये एक वर्ड अल्फाबेट तो है लेकिन वो करेक्ट पोजिशन में नहीं है। ग्रीन का मतलब वो करेक्ट पोजिशन में वहीं पे है, तो आप गेस कर सकते हो। और द लेटर वाई पी इज नॉट द वर्ड, मतलब जो कलर का होगा तो वो वर्ड के अंदर नहीं है, आपको इस तरह खेलना है, ठीक है। तो आप ओके कर सकते हो यहां से, फिर आपको ऐसे 5 वर्ड लिखेगा, आपको भी गेस करना है, जैसे 5 वर्ड है, मैं अभी गेस करता हूं, 5 वर्ड के अंदर कोई याद आता है, इको फ्रेंडली ब्लॉकचेन लिखा उसने, तो उसकी थीम्स के अनुसार हम कोई भी गेस कर सकते हैं। 5 वर्ड का भी आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं हाउस लिखता हूं, ठीक है। हाउस के अंदर कोई भी वर्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा, जैसे एस और ई आ गया, ठीक है। ई मतलब क्या, करेक्ट पोजीशन, ई वहीं पे है, तो कोई भी 5 वर्ड का जो इको फ्रेंडली के अंदर ई होगा वो वहीं पे है, लेकिन एस उसके करेक्ट पोजीशन में नहीं है लेकिन ई उसके करेक्ट पोजीशन में है। हम इस तरह हम गेस कर सकते हैं। अभी 5 वर्ड्स का कोई और डालूंगा, जैसे मैं डालता हूँ बुक्स करके, बुक्स तो ओके, एस तो है, और फिर एस पता चल जाएगा कहाँ पे है, अभी एस लास्ट में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो एस ऊपर से हम शायद फर्स्ट पे भी हो तो हम एस यू पी सुपर लिख सकते हैं, शायद कोई वर्ड्स हमको मिल जाए सुपर, ई तो लास्ट में है, ठीक है, ई तो आएगा ही, एस कहाँ पे आएगा वो हमको पता चले, एस फर्स्ट है लास्ट में ई है, ठीक है। तो एस यू डबल पी एल वाई सप्लाई भी नहीं आएगा, इको फ्रेंडली है कुछ करके, एस और ई, एस एम आर टी ई स्मार्ट आएगा शायद, एस एम ए स्मार्ट भी नहीं आएगा क्योंकि स्मार्ट के अंदर भी ई नहीं है, ई और एस दोनों आ चुके हैं हमारे पास, स्मार्ट भी देख लेते हैं, स्मार्ट में कोई ओके, तो एस बीच में ए है और लास्ट में ई है, जैसे एस और ऐसे कोई भी हो सकता है, तो आप इस तरह गेस कर सकते हो। जैसे बीच में आ गया तो हम हमारा दिमाग लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ड आएगा, और जो भी वर्ड्स आते रहेंगे, मैं 2 अकाउंट से खेलता रहता हूं तो वो वर्ड्स आपको मैं टेलीग्राम पे मैं अपडेट करता रहूंगा, तो वहाँ जाके भी आप गेस कर सकते हो कि आपके पास कौन सा कितने 5 लेटर्स का आया, 4 लेटर्स का आया, 3 लेटर्स का आया, तो मैं उस पर अपडेट करता रहूँगा। ओके, थैंक यू गाइज़।